ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਨਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਨਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ रस्ते दे विच ए बस पलटी हो जाती है तो उस दे विच 5 विद्यार्थियों की मौत हो जाती है। हालांकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस दे वल्लों जो चालक है उसनू गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। शक जाहिर किया जा रहा है कि जो चालक है वह नशे की हालत दे विच सी पर हाले तक इसका स्पष्ट नहीं हो सकया, पर कितने ना कितने पुलिस दे वल्लों यह शक जाहिर किया गया तो हुण इसनू लैके जांच शुरू कर दी है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के भयानक सड़क हादसा वापरिया जिस दे विच एक स्कूली बच्चों के नाल भरी वैन जो है बस जो है वह पलटी हो जाती है जिस दे विच 5 विद्यार्थियों की मौत हो जाती है। निजी स्कूल की यह बस दसी जा रही थी जिस दे विच 35 तो 40 विद्यार्थी कहा जा सकता है कि चावां दे नाल तैयार होकर अपने स्कूल जा रहे थे, पर रास्ते दे विच अचानक ही यह स्कूल बस पलटी हो जाती है जिसके कारण वड्डा भयानक सड़क हादसा वापरिया है। 5 स्कूली विद्यार्थियों की मौत हो गई है। दूजे पासे डॉक्टर का कहना है कि 4 विद्यार्थियों की मौके पर जान चली गई थी ते उस तो बाद दे विच एक विद्यार्थी की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक दसी जा रही थी ते जदों उसनू वेंटीलेटर के उत्ते पाया गया तो 15 मिनट बाद ही उसकी भी जान चली गई है। तो दस दिए कि घरां दे विच सत्थर विच गया चावां दे नाल तैयार होकर यह जो विद्यार्थी सी स्कूल जाने के लिए निकले सी, पर रास्ते दे विच ए भयानक सड़क हादसा वापर गया जिस दे विच कई विद्यार्थी जख्मी होए ने ते 5 विद्यार्थियों की मौत की पुष्टि हुई है। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा दे विच ए भयानक सड़क हादसा वापरिया। लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास जिसमें 4 ब्रोन डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय SDM साहब तुरंत आ गए थे, उन्होंने पूरे प्रशासन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है, कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशन नॉर्मल है सभी बच्चों की। कौन से स्कूल की बस थी जी? ये GL स्कूल की बसेस बता रहे हैं। कहाँ के थे बच्चे? ये तो देखो अलग अलग गांव के थे, हमें तो पता नहीं किस गांव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना। हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है। 5 कैजुअल्टी 4 ब्रो डेड थे, 1 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है क्योंकि वो वेंटिलेटर ब्रेन डेमेज था, उनका भी हम बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए बच्चे। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਨਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਨਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ रस्ते दे विच ए बस पलटी हो जाती है तो उस दे विच 5 विद्यार्थियों की मौत हो जाती है। हालांकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस दे वल्लों जो चालक है उसनू गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। शक जाहिर किया जा रहा है कि जो चालक है वह नशे की हालत दे विच सी पर हाले तक इसका स्पष्ट नहीं हो सकया, पर कितने ना कितने पुलिस दे वल्लों यह शक जाहिर किया गया तो हुण इसनू लैके जांच शुरू कर दी है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के भयानक सड़क हादसा वापरिया जिस दे विच एक स्कूली बच्चों के नाल भरी वैन जो है बस जो है वह पलटी हो जाती है जिस दे विच 5 विद्यार्थियों की मौत हो जाती है। निजी स्कूल की यह बस दसी जा रही थी जिस दे विच 35 तो 40 विद्यार्थी कहा जा सकता है कि चावां दे नाल तैयार होकर अपने स्कूल जा रहे थे, पर रास्ते दे विच अचानक ही यह स्कूल बस पलटी हो जाती है जिसके कारण वड्डा भयानक सड़क हादसा वापरिया। 5 स्कूली विद्यार्थियों की मौत हो गई है। दूजे पासे डॉक्टर का कहना है कि 4 विद्यार्थियों की मौके पर जान चली गई थी ते उस तो बाद दे विच एक विद्यार्थी की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक दसी जा रही थी ते जदों उसनू वेंटीलेटर के उत्ते पाया गया तो 15 मिनट बाद ही उसकी भी जान चली गई है। तो दस दिए कि घरां दे विच सत्थर विच गया चावां दे नाल तैयार होकर यह जो
विद्यार्थी सी स्कूल जाने दे लई निकले सी पर रास्ते दे विच ए भयानक सड़क हादसा वापर गया जिस दे विच कई विद्यार्थी जख्मी होए ने ते पंज विद्यार्थियों की मौत की पुष्टि हुई है। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा दे विच ए भयानक सड़क हादसा वापरिया। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रोड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को आम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय SDM साहब तुरंत आ गए थे, उन्होंने पूरे प्रशासन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है, कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशन नॉर्मल है सभी बच्चों। कौन से स्कूल की बस थी जी? ये GL स्कूल की बसेस बता रहे हैं। कहाँ के थे बच्चे? ये तो देखो अलग अलग गांव के थे, हमें तो पता नहीं किस गांव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना। हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया। 5 कैजुअल्टी 4 ब्रो डेड थे, 1 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है क्योंकि वो वेंटिलेटर ब्रेन डैमेज था, उनका भी हम बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए उस बच्चे को। विद्यार्थियों के नाल भरी स्कूल की बस अचानक ही पलटी हुई है जिस दे विच हुण 5 विद्यार्थियों की मौत हो गई है। तो बेहद मनभागी खबर सवेरे सवेरे सामने आई है जिथे कि विद्यार्थियों के नाल भरी एक स्कूल की बस अचानक पलटी हो गई है जिसके कारण 5 विद्यार्थियों की मौके पर ही जान चली गई है। तो बेहद मनभागी खबर सामने आई है, 40 विद्यार्थी इस स्कूल बस के सवार दसे जा रहे थे, अचानक ही कहा जा रहा है कि रस्ते दे विच ए बस पलटी हो जाती है तो उस दे विच 5 विद्यार्थियों की मौत हो जाती है। हालांकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, पुलिस दे वल्लों जो चालक है उसनू गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। शक जाहिर किया जा रहा है कि जो चालक है वह नशे की हालत दे विच सी, पर हाले तक इसका स्पष्ट नहीं हो सकया, पर कितने ना कितने पुलिस दे वल्लों यह शक जाहिर किया गया तो हुण इस नू लैके जांच शुरू कर दी है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ दे विच ए भयानक सड़क हादसा वापरिया सी जिस दे विच एक स्कूली बच्चों के नाल भरी वैन जो है बस जो है वह पलटी हो जाती है जिस दे विच 5 विद्यार्थियों की मौत हो जाती है। निजी स्कूल की यह बस दसी जा रही थी जिस दे विच 35 तो 40 विद्यार्थी कहा जा सकता है कि चावां दे नाल तैयार होकर अपने स्कूल जा रहे थे, पर रास्ते दे विच अचानक ही यह स्कूल बस पलटी हो जाती है जिसके कारण वड्डा भयानक सड़क हादसा वापरिया है, 5 स्कूली विद्यार्थियों की मौत हो गई है। दूजे पास डॉक्टर का कहना है कि 4 विद्यार्थियों की मौके पर जान चली गई थी, तो उस तो बाद दे विच एक विद्यार्थी की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक दसी जा रही थी, तो जदों उसनू वेंटीलेटर के उत्ते पाया गया तो 15 मिनट बाद ही उसकी भी जान चली गई है। तो दस दिए कि घर सत्थर विच गया, चावां दे नाल तैयार हो के यह जो विद्यार्थी सी स्कूल जाने दे लई निकले सी, पर रास्ते दे विच ए भयानक सड़क हादसा वापर गया जिस दे विच कई विद्यार्थी जख्मी होए ने ते 5 विद्यार्थियों की मौत की पुष्टि हुई है। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा दे विच ए भयानक सड़क हादसा वापरिया। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रोड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को आम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय SDM साहब तुरंत आ गए थे, उन्होंने पूरे प्रशासन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है, कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशन नॉर्मल है सभी बच्चों। कौन से स्कूल की बस थी जी? ये GL स्कूल की बसेस बता रहे हैं। कहाँ के थे बच्चे? ये तो देखो अलग अलग गांव के थे, हमें तो पता नहीं किस गांव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना। हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया। 5 कैजुअल्टी 4 ब्रो डेड थे, 1 कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है क्योंकि वो वेंटिलेटर ब्रेन डैमेज था, उनका भी हम बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए उस बच्चे को।